सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ जीएस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिपुरा का जो बर्निंग इशू है, जो कि पीआरटी से रिलेटेड इशू, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स है, उसको हम क्लियर करेंगे विथ फैक्ट्स एंड फिगर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि ये जो पीआरसी वाला मुद्दा है, ये बेसिकली है क्या। इसमें क्या होता है, जो दूसरे स्टेट्स का स्टूडेंट्स है, वो त्रिपुरा का जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं और जॉब्स भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। दूसरे स्टेट का जो स्टूडेंट्स है वो सभी सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो कौन सा पोस्ट के लिए ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। पहले बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उसमें जनरली दो तरह का पोस्ट होता है। एक है आपका अनरिजर्व सीट्स, दूसरा है रिजर्व सीट्स। रिजर्व सीट्स का मतलब है जो सीट्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आदर्श, जो इस तरह का कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो है आपका रिजर्व सीट्स। ठीक है, अब आप लोग ये मत समझना कि तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है कि वो सीट्स जनरल के लिए रिजर्व है। जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। ठीक है, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सीट्स सिर्फ जनरल के लिए नहीं, इन सीटों में से कोई भी पा सकते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर एससी से हो या फिर एसटी हो। कोई भी बाहर का स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी जिसका मार्क्स अच्छा होता है, वो अनरिजर्व सीट्स में जॉब ले लेता है। ठीक है, और दोस्तों यही प्रॉब्लम है कि जिस स्टेट में वैसे ही नौकरी नहीं है, जिस स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी ज़्यादा है, और जो छोटा मोटा पोस्ट निकालते भी है वो भी बाहर के स्टूडेंट्स आके ले जाते हैं, तो अब करें तो करें क्या। त्रिपुरा का जो मोस्ट अफेक्टेड जनरल स्टूडेंट्स है वो अब कहाँ जाएगा। जो बाहर के जो स्टूडेंट्स है, ये सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि एससी एसटी स्टूडेंट्स को ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है? दोस्तों, बाहर के जो स्टूडेंट्स है उसको बहुत अच्छे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, तो वो तो अच्छा करेगा ही। हालांकि त्रिपुरा में भी एजुकेशन सिस्टम अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है और प्रोग्रेसिव जोन पर है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे कि उसका इफेक्ट जो है सिर्फ जनरल स्टूडेंट पर नहीं, एससी एसटी स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा। थोड़ा कम सही, बट इफेक्ट तो होगा, काट ऑफ आपका बढ़ेगा, क्योंकि कुछ एससी स्टूडेंट्स और एसटी स्टूडेंट्स जो पहले अनरिजर्व सीट लेता था, वो अब वो सीट्स दूसरे स्टेट का स्टूडेंट्स ले जाएगा। ठीक, और वही स्टूडेंट्स खुद आएगा रिजर्वेशन के अंदर, तो काट ऑफ तो बढ़ेगा ही ना। जनरल स्टूडेंट्स का भी काट ऑफ बढ़ेगा और एससी एसटी और अदर्स जो रिजर्व कैटेगरी से, उन लोगों का भी काट ऑफ बढ़ेगा। दोस्तों, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं ये बस अपना एक टेम्पोरारी जॉब लेने के हिसाब से त्रिपुरा आ जाते हैं और बस दो तीन साल तक रहते हैं, जब तक ना इसका कोई अच्छा खासा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाता। मतलब बस पॉकेट खर्चा उठाने के लिए ये लोग आ जाते हैं, ये स्टेट का किसी काम में तो नहीं आता है, बट स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने में ज़रूर फायदा करवाते हैं। एंड लोकल लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन तो होता ही है, क्योंकि कोई लोकल लैंग्वेज तो इन लोगों को आता नहीं, तो भुगते हैं हमारा पब्लिक। अब त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो जाएगा कहाँ? ना तो ये यहाँ ह्यूज इंडस्ट्री है, ना कि आईटी सेक्टर, बस एक गवर्नमेंट जॉब्स और कोई छोटा मोटा प्राइवेट जॉब्स, जो कि बस एक लो स्टैंडर्ड लाइफ ही दे सकते हैं। तो अगर आप गरीब है तो आप लोग गरीब ही रहोगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ही कुछ इस प्रकार का है, कुछ नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, यह भी कंट्रोवर्सी तो होगा, कोई बोलेगा कि ये पीआरटीसी वाला मैटर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई बोलेगा दिक्कत तो है, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो दिक्कत तो है। और वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजिशन है इतना भी अच्छा नहीं है कि वो अपना अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की जगह दूसरे की कम करे। वोट दिया त्रिपुरा के लोग, काम कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, क्यों भाई? अब इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना अगर कोई ऐसा कुछ है तो। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि क्या ये जो पीआरटीसी का फायदा, पीआरटीसी का मैटर है, क्या ये मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनली किया जा सकता है, पॉसिबल है? तो इसके लिए आई थिंक हम लोगों को कुछ अदर स्टेट का जॉब नोटिफिकेशन देखना चाहिए कि वो लोग अपना नोटिफिकेशन में कैसे ये बात लिखा है कि पीआरटीसी मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम वो पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले असम लोक सेवा आयोग, जो कि है असम पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका एक जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या मेंशन किया गया है कि पीआरटीसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस पीआरसी इशूड इन असम फॉर एजुकेशनल पर्पस और वोटर आईडी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी विद द एप्लीकेशन। यहाँ पे ये वेरी क्लियरली मेंशन है कि पीआरसी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग इस मैटर में ये भी कहते हैं कि असम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पैक्ट है जिसकी वजह से ऐसा है, तो अगर ऐसा है भी तो त्रिपुरा को भी ऐसा पैक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और चलिए आगे मणिपुर की देखते हैं अभी।
तो अब दोस्तों मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के एक जॉब नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 3, द कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मणिपुर प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट हुज पेरेंट और एनी ऑफ हिज और हर एंसेस्टर इन हीज और हर डायरेक्ट लाइनेज आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली PRC मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन का ऑप्शन बी अदर क्वालिफिकेशंस, इसमें क्लियरली मेंशन है, शुड बी कन्वर्सेंट विद द कस्टम्स एंड यूजेस ऑफ सिक्किम, शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, शुड हैव लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है आप लोगों को मालूम चल गया होगा, ठीक है। अब आगे और भी देखते हैं। तो दोस्तों अब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का और एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि APST सर्टिफिकेट फॉर APST एप्लीकेंट्स एंड PRC और आधार कार्ड और EPIC फॉर अदर एप्लीकेंट्स। तो किसी ना किसी तरीके से PRC यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिपुरा छोड़कर बाकी सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहाँ पे PRTC मैंडेटरी है, एसेंशियलिटी लिस्ट पर है। तो सिर्फ त्रिपुरा ही एकमात्र स्टेट है जहाँ पर एसेंशियलिटी लिखा गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स देखा है उसके बाद ये तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि PRTC मैंडेटरी करना पॉसिबल है, लेकिन ये बस अभी पॉलिटिकल चीज़ बन गया है। अगर हम लोगों का लीडर जो गवर्नमेंट है वो अगर त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के साथ है तो मैंडेटरी करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग जो है बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपना गवर्नमेंट को कि PRTC मैंडेटरी करे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द यूथ ऑफ त्रिपुरा। ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि त्रिपुरा के स्टूडेंट के पास दूसरे कोई जॉब का यहाँ पे फैसिलिटीज है ही नहीं, ना इंडस्ट्रीज़ है, ना IT सेक्टर है, जो भी है उसमें भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसे में हम लोग गवर्नमेंट के पास ना जाए तो कहाँ जाए। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी किसी को भी अगर इस मैटर में कोई गलतफहमी है तो वो ना रहे, एंड अपना अपना स्टैंड रखे सोशल मीडिया में, इसको ट्रेंड करवाइए। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसको यूज़ कीजिए, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। और मैं त्रिपुरा से त्रिपुरा में जितने सारे भी प्रेस मीडिया के लोग हैं तो उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मैटर में बात कीजिए ताकि गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान यहाँ भी दे दे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।